अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बीएस इंग्लिश वन, हियर इज प्रोफेसर अब्दुल प्रसाद चौधरी एंड टुडे वी विल डिस्कस द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज दैट इज चैप्टर 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, देर आर टोटल 44 साउंड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। 44 साउंड्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में पाई जाती हैं। देर आर 26 अल्फ़ाबेट्स एंड 44 साउंड्स। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लेटर। लेटर वो हैं जो आप पढ़ते हो, ए बी सी डी, जो अल्फ़ाबेट्स आप पढ़ते हो, दोज आर लेटर्स। एंड साउंड्स आर समवट डिफरेंट, सो द नंबर्स आर 44। स्टूडेंट, वाट इज़ फोनीम? दिस इज़ अ न्यू टर्म रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक्स। So try to understand the concept of phoneme. The minimal unit of human speech sound is called phoneme. ये छोटे से छोटा यूनिट होता है साउंड का, जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद उसको तकसीम आप नहीं कर सकते, उसको आप कहते हो फोनीम। तो ये जो 44 साउंड्स हैं, इनको आप 44 फोनीम्स भी कह सकते हो। सो देर आर टोटल 44 फोनीम्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये फोनीम्स या ये साउंड जो हैं, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती, मज़ीद तकसीम नहीं हो सकती। दीज आर द मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड। सो देर आर टोटल 44 फोनीम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन टोटल 44 फोनीम्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वन कैटेगरी इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट एंड द अदर कैटेगरी इज कॉल्ड वाउल। Here look at spellings. The spellings are vowels, vowels. So there are total 44 phonemes, and out of 44 phonemes, and out of 44, 24 are consonant sounds, and 20 are vowel sounds. So we divide 24 consonants into two categories. One is voiceless consonant and the other is voiced consonant. And we categorize the 20 vowel sounds into two categories. One is monophthong and the other is diphthong. And then further we divide monophthong into two categories. One is short vowels and the other is long vowels. So we will see later on that what is voiced or voiceless or monophthong or diphthong. First, we will study that what is consonant and what is vowel. So let's come towards consonant sounds. Total 44 sounds हैं, उनमें 24 consonant हैं। तो consonant होते क्या हैं? कौन सी sounds consonant कहलाती हैं? Students, you have read the production of human speech sounds, and we have studied that the process of speech sound is started by lungs. ये lungs से start होता है। When we took air by the lungs and it travels through trachea and then through vocal cords, it comes into the mouth cavity. अब mouth cavity में आने के बाद अगर उस sound के रास्ते में कोई hindrance बनती है, कोई रुकावट बनती है, तो उस sound को कहेंगे consonant, और जिस sound के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनती, उस sound को कहेंगे vowel. So we can define the consonants as the sounds which are produced with the hindrance in the mouth cavity. These are called consonant sounds. Let's say we take the example of two. One is p and the other is b. ये इनके symbols आपके सामने लिखी हुई हैं। जो sounds हैं वो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। p, b. ये दोनों bilabial sounds हैं। जब आप इनको अदा करते हो तो आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आपके दोनों लिप्स ज्वाइन करते हैं। अपने लिप्स को पकड़ें और देखें कि जब फ आप बोलते हैं तो वो दोनों लिप्स एक दूसरे को ही किस करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और हवा को रोक लेते हैं, आवाज़ को रोक लेते हैं, और फिर उसको छोड़ते हैं। तो ये रोकना है, ये रुकावट है, ये हिंड्रेंस है। तो अब ये देखें, हिंड्रेंस आ गई तो ये क्या आवाज़ हो गई? कॉन्सोनेंट। इसी तरीके से ब ब बोलें, दोनों होंठों को आपस में टच किए बगैर आप ब बोल ही नहीं सकते। बोल के ट्राई करें ज़रा, क्या आप बोल सकते हैं? तो ज़रा इसको ट्राई करके इसको समझ भी लें कि आप दोनों लिप्स को ज्वाइन करते हो और आवाज़ की रास्ते में हिंड्रेंस पैदा करते हो। सो दैट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड। और इसकी अपोजिट जो होगी वो वाउल होगी। सॉरी, कैसे? कि वाउल जो है वो बगैर किसी हिंड्रेंस के पैदा हो जाएगी।
इन द माउथ कैविटी। लेट से ये सारे वाउल्स नीचे लिखती हैं, 20 वाउल्स हैं। ई आप जुबान को पकड़ लें, आप होंठों को पकड़ लें, आप किसी चीज़ को भी टच ना करें, जोड़े ई आ साउंड आ जाएगी। ई ई ए ए अ अ उ अ, ये सारे जो है ये वाउल साउंड्स हैं जो बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी हिंड्रंस के पैदा हो रही हैं। दीज आर कॉल्ड वाउल साउंड। सो अप टू हियर वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट हाउ मेनी साउंड्स आर देयर, 24 साउंड्स एंड सॉरी 44 साउंड्स, 44 साउंड्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड वी डिवाइड द 44 साउंड्स इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कंसोनेंट एंड द अदर इज वाउल्स। सो देयर आर 24 कंसोनेंट्स एंड 20 वाउल्स। देन वी हैव स्टडीड दैट व्हाट आर कंसोनेंट्स, डेफिनेशन ऑफ कंसोनेंट्स विद एग्जांपल, एंड व्हाट आर वाउल्स, डेफिनेशन ऑफ वाउल्स विद एग्जांपल। देन वी हैव स्टडीड दैट दीज कंसोनेंट्स आर वाउल साउंड्स आर आल्सो कॉल्ड फोनीम्स, because these are the minimal unit of the human speech sounds, and this minimal unit, chote se chota unit, that is called phoneme. Then we categorize the consonants into voiced or voiceless, ye hum baad mein discuss karenge, monothong or diphthong, ye bhi baad mein discuss karenge. The next topic is, hum ye jo 24 consonants hain, in mein one by one, in tamam consonant ko study karenge, yehi aaj aapka lecture hai. जी, ये एक आपके सामने पिक्चर है, इसमें टोटल 44 साउंड्स जो हैं वो डिस्प्ले कर दी गई हैं। ये लेफ्ट साइड पर जो आपको नज़र आ रही हैं, जो फा से स्टार्ट हो रही हैं और वा पर एंड हो रही हैं, दीज आर टोटल 24 साउंड्स एंड दीज आर कंसोनेंट्स। हियर हियर यू कैन सी दैट इज दीज आर कंसोनेंट्स, ये कंसोनेंट्स। एंड हियर ऑन द राइट साइड इट्स दीज आर वाउल्स, ये वाउल्स में आपको ये ई से स्टार्ट होके ऊ पे एंड हो रही हैं, ऊआ। तो ये टोटल है 20, ये दीज आर योर वाउल साउंड्स। So we will study consonants. So these are consonant sounds. तो इनको हम study करेंगे। तो मैं एक अलहदा से वीडियो इसके ऊपर बनाता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। हम इसको stop करते हैं।